Hello my dear children, how are you all? I hope you are and hearty and today in this video we will discuss lesson number two in your book's snapshots and the title of the lesson is The Address and this lesson is written by Marga Minko. So let us start this touching story The Address with me Pooja Sharma, lecturer in English, Education Department, Haryana. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल meet मीट द राइटर ऑफ द स्टोरी डच जर्नलिस्ट एंड राइटर मागा she is अ लेडी बच्चों अभी एक कहानी द एड्रेस एड्रेस क्या होता है बच्चों पता तो ये किस चीज के बारे में है देख लेते हैं बच्चों आज हम चल रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और हमारा ईयर रहेगा 1940 इस ईयर में ऐसा स्पेसिफिक हुआ क्या था बच्चों इन In invaded Holland. जर्मनी इनवेडेड हॉलैंड जर्मनी ने हॉलैंड के ऊपर आक्रमण किया एंड हॉलैंड surrendered और इसमें हॉलैंड की हार हुई उसे सरेंडर कर दिया डच ज्यूज ज्यूज कौन होते हैं बच्चों यहूदी Dutch ज्यूज वर mercilessly killed एंड their प्रॉपर्टीज वर सोल्ड टू द रिच ज्यूज तो वहाँ पर जो यहूदी थे बच्चों डच जो यहूदी थे उनको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया और उनकी प्रॉपर्टीज को जो अमीर यहूदी थे उनको बेच दिया गया तो कुछ ऐसा हुआ था 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आप कुछ रियल पिक्चर्स देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर उस समय की जब जर्मनी ने अटैक किया था हॉलैंड के ऊपर बच्चों उन्होंने वहाँ पर कॉन्सनट्रेशन कैंप्स बनाए थे अगर आपने मेरा वीडियो देखा है क्लास टेंथ का द डायरी ऑफ एन फ्रैंक उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में बताया है तो वहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से यातनाएँ दी जाती थी आप उसका एक रियल पिक्चर इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये है बच्चों उस समय का मैप हॉलैंड का तो बच्चों दिस स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द के विच पोलोज वॉर युद्ध बच्चों बहुत ही बुरी चीज़ है युद्ध वॉर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है वी सी वॉट इट डज टू ह्यूम्स एंड देयर बिहेवियर जब युद्ध होता है तो लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है ये हम इस लेसन में इस स्टोरी में देखते हैं यू कैन फील द पेन ग्रीफ एंड मेंटल टॉर्चर द सर्वाइवर्स ऑफ वॉर हैव टू गो थ्रू युद्ध होने के बाद जो सर्वाइवर्स बच जाते हैं जो उस युद्ध में जीवित लोग बच जाते हैं वो कितना दर्द दुख तकलीफ मेंटल टॉर्चर यातनाएं जो कि मानसिक रूप की होती हैं वो सहन करते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे इट इज़ अबाउट द ऑथर स्टोरी हु इज़ अ ड्यू एंड रिटर्न्स टू हर नेटिव होम पोस्ट वार तो बच्चों एक लड़की है वो नरेटर भी है कहानी की वो हमें कहानी सुना रही है युद्ध होता है बच्चों यही वाला 1940 में जब जर्मनी ने अटैक किया हॉलैंड के ऊपर और उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है और काफ़ी समय के बाद वो वापस उसी जगह लौटती है अपने शहर में लौटती है एक लेडी से मिलने के लिए जो मैं आगे आग आपको बताऊंगी तब उसके हृदय में क्या परिवर्तन आते हैं वो क्या फील करती है वो कुछ किस दुख से मेंटल टॉर्चर से ग्रीफ से पेन से शोरों से गुजरती है वो सब हम इस लेसन के अंदर देखेंगे तो बहुत ही टचिंग स्टोरी है द एड्रेस बच्चों एक माँ और बेटे की कहानी है जिसमें से जो बेटी है ना बच्चों वही हमारी नरेटर है वही हमें कहानी सुना रही है और बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का टाइटल ही है एड्रेस तो ये जो एड्रेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर में हमेशा ही पूछा जाता है कि एड्रेस क्या था तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है वैसे लेसन के बीच में आएगा मैं आपको बताऊंगी शुरू में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया आप इसको ज़रूर याद करें एक नंबर आपका यहीं पर पक्का हो जाएगा क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है एड्रेस क्या था तो एड्रेस था हाउस नंबर फोर्टी इन मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर फोर्टी सिक्स इन माकोनी स्ट्रीट आप इसे याद कर लें बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद दिसटर स्टार्ट दैसन द एड्रेस दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पॉइंटेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड फैंड शी फाइंड्स दैम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमरीज ऑफ अर्लियर लाइफ है शी डिस टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिजोल्व टू मूव ऑन तो बच्चों एक छोटी सी कहानी है बड़ी पॉइनंट कहानी है मार्मिक हृदय को छू लेने वाली सैड स्टोरी है टचिंग स्टोरी है किसकी एक बेटी की एक डॉटर की जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स बच्चों मदर की बिलोंगिंग्स मीन्स उनकी माँ की जो वस्तुएँ थी वो वस्तुएँ कौन सी थी बिलोंगिंग्स कौन सी थी हम लेसन के अंदर पढ़ेंगे तो वो जो हॉलैंड में हुई थी उसके ख़त्म होने के बाद वो अपनी माँ की वस्तुएं उनके जो संपत्ति की वस्तुएं थी उन्हें उनके खोज में उनके सर्च में वो जाती हैं वेन शी फाइंड्स दैम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमरीज ऑफ अर्लियर लाइफ जब वो उन्हें प्राप्त करती है उन ऑब्जेक्ट्स को उन थिंग्स को देखती हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट्स थे उसकी माँ की जो बिलोंगिंग्स थी जो वस्तुएं थी उसकी माँ की वो इवोक करती है पैदा करती है यादें उनकी पिछली ज़िंदगी की यानी कि उन वस्तुओं को देखकर उसे अपनी माँ की हद से ज़्यादा याद आती है बहुत ज़्यादा याद आती है हेव एवर शी डिसाइड्स टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिज़ोल्व टू मूव ऑन फिर भी वो डिसाइड करती है कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए और वो रिजॉल्व करती है डिसाइड करती है कि वो आगे बढ़ेगी ज़िंदगी में इन यादों के साथ ही अपनी ज़िंदगी को नहीं बिताएगी तो चलिए बच्चों कहानी पर आते हैं डू यू स्टिल नो मी आई आस्ट मैंने पूछा अब आय कौन है वही डॉटर जो हमें कहानी सुना रही है वही नेरेटर है डू यू स्टिल नो मी क्या तुम मुझे अब भी जानती हो मैंने पूछा द वुमन लुकड एट मी सर्चिंगली जिस औरत से मैंने पूछा था वो मुझे सर्चिंगली मीन्स पहचानने की कोशिश करते हुए देख रही थी शी हैड ओपन द डोर अच्छे आई केम क्लोज अंड स्टूड ऑन द स्टेप शी हैड ओ ओपन द डोर अ चिक उसे लिटिल बिट क्रैक नेहरू ओपनिंग होती है बेटा चिंक तो उसको खोला मैं उसके पास आई सीढ़ी पर जो ऊपर बनी हुई थी उसके ऊपर खड़ी हो गई नो आई डोंट नो यू नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती फिर नरेटर ने जवाब दिया आई एम एस एस डॉटर मैं मिसिज एस की बेटी हूँ बच्चों माता का पूरा नाम हमें नहीं बताया मदर का यहाँ पर मिसिज एस हमें बताया गया है तो वो लड़की जो है वो कहती है मैं मिसिज एस की बेटी हूँ शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज she वॉन्टेड टू prevent इट ओपनिंग एनी फर्दर बच्चों अब उस लेडी ने जिससे पूछ रही थी हमारी नरेटर की क्या वो उसे अभी भी जानती हैं उन्होंने अपना हैंड दरवाजे के ऊपर रख लिया और वो उसे प्रिवेंट कर रही थी स्टॉप कर रही थी रोक रही थी और ज्यादा दरवाजा खुलने से बीच में खड़ी हो गई थी अटका लिया था अपना हा, हाथ ताकि दरवाजा खुल ना सके हर फेस गेव एब्सल्यूटली नो साइन ऑफ रिकग्नीशन उसका चेहरा के ऊपर कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं थे साइन नहीं थे जिससे मुझे ये पता चलता कि उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है मुझे पहचान लिया है शी कैट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस वो चुपचाप मुझे घूरती रही परहैप्स आई वाज मिस्टेकन शायद मैंने ही गलती की हो आई थॉट मैंने सोचा परहैप्स इट इजंट हर शायद वो ये औरत नहीं है जिसकी खोज में मैं यहां पर आई हूं आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली मैंने आखिर एक ही बार तो उसे देखा है लाइफ में वो भी फ्लिटिंगली फ्लिटिंगली मीन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ही कम समय के लिए एंड देट वॉज ईयर्स अगो और ये भी सालों पहले की बात है इट वॉज मोस्ट प्रबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बैल शायद ऐसा संभव है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी हो दुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड अब जो औरत थी बच्चों उसे थोड़ा सा दरवाज़ा ज़्यादा खोल दिया और साइड में आकर खड़ी हो गई शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन उस औरत ने उस समय पहन रखा था मेरी ही मम्मी का हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन स्वेटर द वुडन बटन आर देल फ्रॉम वॉशिंग और जो उस पर लकड़ी के बटन लगे हुए थे कार्डिगन के ऊपर वो पीले पड़ गए थे बार बार धोने की वजह से बार बार वॉश करने की वजह से शी सॉ देट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिट हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर अब उस लेडी ने देखा कि मैं उसके हरे रंग के बुने हुए कार्डिगन को लगातार घूर रही हूँ तो उसने अपने आप को ढक लिया और डोर को फिर से बंद कर लिया हल्का सा उसने उसके पीछे अपने आप को छुपा लिया बट आई आई न्यू नाउ दैट राइट लेकिन अब मुझे पक्का विश्वास था कि मैंने गलत घर की घंटी नहीं बजाई मैंने बिल्कुल सही जगह की घंटी बजाई वेल यू न्यू माई मदर आई आस्ट और मैंने इसे पूछा तुम तो मेरी माँ को जानती हो हैव यू कम बैक द वुमन उस औरत ने कहा क्या तुम लोग वापस आ गए आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं आ पाएगा तो नरेटर ने जवाब दिया बच्चों ओनली मी सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ मेरी माँ वापस नहीं आई एक्चुअली बच्चों उसकी माँ अब नहीं रही इस दुनिया में इसलिए केवल वो लड़की ही वापस आई है तो बच्चों इस हमने जो हमारे पेज नंबर अभी हमने कर लिया है टेन पूरा उसमें हमने क्या पढ़ा देखिए एक नरेटर है एक लड़की है एक मतलब एक मदर के एक डॉटर हम कह सकते हैं वो नरेटर है कहानी सुना रही है कहानी नरेट कर रही है वो जाकर एक घर की घंटी बजाती है एक औरत वहाँ से निकलती है लड़की पूछती है क्या तुम तो मुझे जानती हो तो वो मना कर देती है फिर उसे भी लगता है शायद उसने गलत घर की घंटी बजा दी ये घर वो था ही नहीं जहाँ पर वो आई है लेकिन फिर वो देखती है कि उस औरत ने उसकी माँ का ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन पहन रखा है वो कंफर्म हो जाती है कि मैंने सही घर की घंटी बजाई है और उसके बाद वो लेडी भी उसे पहचान लेती है वो कहती है कि मुझे तो लगा तुम में से कोई वापस नहीं आएगा तो वो लड़की कहती है सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ तो बच्चों एम में बहुत ज़रूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि उसने क्या देख उसे पहचाना कि वो लेडी वही है जिससे वो मिलना चाहती है ग्रीन निटेड स्वेटर ऑफ अ मदर आप पिक्चर देख पा रहे हैं जिसके की वुडन बटन काफी पेल हो चुके हैं बार बार वॉश करने की वजह से आई होप इंग टू पेज नंबर इलेवन अपन एंड क्लोज इन दैसेज बिहाइंड एक दरवाजा खुला बंद हुआ उस रास्ते की ओर जो कि उसके पीछे था यानी कि घर के अंदर अ मस्ती स्मेल इमर्ज मस्टी मीन्स बैड स्टेल बासी सी गंदी सी बदबू सी आई इमर्ज मीन्स केम आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनी थिंग फॉर यू उस औरत ने जवाब दिया मुझे खेद है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती आई हैव कम ही स्पेशली ऑन द ट्रेन आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट हमारे जो नरेटर है उसने कहा मैं यहाँ पर स्पेशल आई हूँ ट्रेन से मिलने के लिए आपसे मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ देर के लिए इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेट द वुमन आई कान्ट सी यू एन अ टाइम ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है सुविधाजनक नहीं है कि मैं तुमसे इस समय बात कर सकूँ किसी और दिन आना उस औरत ने कहा शी नोट इड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज द हाउ नो वन इन साइड द हाउ शुड बी डिस्टर्ब अब बच्चों ये कहकर उस औरत ने नोट किया सिर हिलाया और बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया ताकि घर के अंदर जो भी था वो व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो उसे कोई परेशानी ना हो आई स्टड वेर आई वॉज ऑन द स्टेप मैं जिस सीढ़ी पर घर के बाहर खड़ी थी उसी पर खड़ी रही द करटेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड बे विंडो मीन गेट के साइड में जो विंडो थी खिड़की थी उसे कर्टेन हटा पर्दा हटा एट मी किसने मुझे घूर कर देखा एंड वुड देन हैव आई ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट नथिंग और उसने अंदर के अंदर उस औरत से पूछा कि कौन था क्या चाहिए था औरत ने जवाब दिया कुछ नहीं और उसने कहा कुछ भी नहीं था यानी कि वो औरत किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी घर के अंदर कि कोई यहाँ पर लड़की आई थी उससे मिलने के लिए आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन मैंने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसके ऊपर देखा क्या लिखा हुआ था बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलिंग डी ओ आर एल आई एन जी इट्स सेट इन ब्लैक लेटर्स ऑफ वाइट एनिमल एंड ऑन द जैम बिट हायर द नंबर नंबर फोर्टी सिक्स तो बच्चों नेम प्लेट के ऊपर काले अक्षरों के अंदर वाइट इंक के अंदर मीन्स इंक के अंदर लिखा था और जैम होता है बच्चों साइड पोस्ट ऑफ अ डोर वे ऑफ विंडो वहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई थी थोड़ी ऊंची थी हायर थी और उस पर उसका नंबर भी लिखा हुआ था फोर्टी सिक्स तो बच्चों क्या है पता हाउस नंबर फोर्टी सिक्स और ये किन का घर है डॉर्लिंग का डॉर्लिंग सरनेम है और अभी जो हमारी नरेटर है वो किससे मिल रही है वो मिल रही है मिसेस डॉर्लिंग से आप याद रखेंगे मिसेस डॉर्लिंग और जो नरेटर है उसकी माँ का नाम हमें नहीं बताया गया है वो कहलाई गई है पूरे लेसन में मिसिज एस आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है ये पता आप जरूर याद करेंगे डॉर्लिंग हाउस नंबर फोर्टी सिक्स माकोनी स्ट्रीट एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर अब मैं धीरे धीरे जा रही थी ट्रेन स्टेशन की ओर और अपनी माँ के बारे में सोच रही थी थीड गिवन मी द एड्रेसो मेरी माँ ने ही मुझे ये पता दिया था बहुत साल पहले इट है फर्स्ट हाफ ऑफ दॉर सेकेंड वर्ल्ड वार के जो पहला आधा था उसमें उन्होंने मुझे पता दिया था आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज मैं कुछ दिनों के लिए शायद ये जो हमारी नरेटर है ये हॉस्टल में पढ़ती थी बच्चों और कुछ दिनों के लिए घर आई थी एंड इस टक में रूम्स और जैसे ही मैं घर आई अपने हॉस्टल से मैंने देखा कि जो मेरा घर है उसके अंदर काफ़ी कुछ बदल गया है कुछ चेंजेस हैं कुछ मिसिंग है आई मिस्ड वेरियस थिंग्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गायब हैं घर से माई मदर वाज़ सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग और बच्चों तब मेरी माँ ने बताया कि वो आश्चर्यचकित हैं क्योंकि मैंने देख लिया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर की गायब हैं मिसिंग हैं और फिर मेरी माँ ने मुझे बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में जो हमारे मेन करेक्टर हैं हमारे जो हीरोइन है उसे डिफरेंट आई हैड नेवर हर्ड ऑफ बट अपरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था बट अपरेंटली मीन्स क्लियरली वो एक पुरानी नॉन लेडी है एक्वेंटेंस मीन्स परिचित व्यक्ति हैं जान पहचान वाली हैं मेरी माँ की होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स उन्होंने भी इस मिसिस डॉर्लिंग को कई सालों से नहीं देखा था शी हेड सडनली टर्न अप वो अचानक से आई टर्नडअप मीन्स केम एंड रिन्यूड द कॉन्टैक्ट और उन्होंने हमारे साथ अपने जो कॉन्टेक्ट है परिचय है उसको रिन्यू किया सिंस देन शी हेड कम रेगुलरली और उसके बाद वो बार बार हमारे घर पर आती थी एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर जब भी वो हमारे घर आती थी वो हमारे घर का कोई ना कोई सामान अपने घर में ले जाती थी सेड माई मदर ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई शिटुक ऑल द टेबल सिल्वर अब बच्चों ये है मदर की बिलोंगिंग्स वो चीजें जो माँ ने मिसिस जोरलिंग को दी थी जिनको ढूंढते हुए हमारी नरेटर दोबारा से उसी पुराने शहर में आई थी क्या क्या था देखिए शिटुक ऑल द टेबल सिल्वर चांदी के बर्तन सिल्वर मीन्स चांदी इन वन गो एक बार में वो हमारे चांदी के सारे बर्तन ले गई एंड देन द एंटीक प्लेट्स एंटीक प्लेट्स मैं आपको बाद में पिक्चर भी दिखाने वाली हूँ प्राचीन प्लेट्स जो दीवारों पर सजाई जाती थी वो जो वहाँ हंग थी लटकी हुई थी शी हैड ट्रबल लगिंग दो लार्ज वॉसेज बड़े बड़े गमले भी हमारे वो ले गई थी और उन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था लगिंग करते हुए घसीटते हुए कैरी करते हुए उन वॉसेज को उन फूलदानों को आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन अ बैक फ्रॉम द क्रॉकरी और इतनी सारी हमारी क्रॉकरी यानी कि बर्तन ले गई थी वो कि मेरी माँ को ये चिंता भी हुई थी कि उनकी बैक में उनकी पीठ में क्रिक हो गया होगा पेन हो गया होगा दर्द हो गया होगा माई मदर शुक अ हैड पिटिंगली बहुत ही दयनीयतापूर्वक मेरी माँ ने अपना सर हिलाया I would have never dared ask her. She suggested it to me herself. मैं तो उसे कभी नहीं पूछ पाती लेकिन उसने मुझे मिसिस डोर्लिंग ने मुझे खुद ही सुझाव दिया कि उनके सामान को वो बचा कर रखेंगी She even insisted. उन्होंने जोर देकर ये बात कही हट पूर्वक ये बात कही She wanted to save all my nice थिंग वो मेरी हर प्यारी चीज़ को बचा कर रखना चाहती थी सहेज कर रखना चाहती थी If we have to leave here वी शेल लूज एवरी थिंग शी अगर हमें ये घर ये शहर छोड़ कर जाना पड़ा तो हम अपना सब कुछ खो देते अगर ये मिसेज डॉर्लिंग मेरी मदद ना करती हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्ट अब मैंने पूछा नरेटर ने पूछा कि आपने उनसे ये बात कर ली कि जब हम वापस आएंगे तो ये हमारी सारी चीज़ें वो हमें वापस दे देंगी एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड मेरी मा चिल्लाई क्या ये ज़रूरी है इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट अगर मैं ऐसा पूछूंगी तो ये तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी बेइज्जती हो जाएगी एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग और देखो ना अपनी जान का जोखिम उठाते हुए वो हमारे लिए काम कर रही है ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आर डोर विद अ फुल सोट केस और बैग तो वो कहती है जब भी वो हमारे घर से भरा हुआ सूटकेस भरा हुआ बैग सामान कर लेकर जाती हैं तो वो अपनी जान को रिस्क में डालती हैं द लेडी मस्ट बी इन ट्रबल इफ़ शी हैड बीन सीन बाय नाजीज तो बच्चों हिटलर का नाम आपने सुना होगा ऐसे साफ सबने पढ़ी है नाज़ीवाद उनका दिया हुआ है तो नाजीज़ बच्चों से समय वहाँ पर अटैक करने वाले थे हॉलैंड के ऊपर और पूरी बात ये थी कि जो हमारी नरेटर है उसकी मदर ये जूथ है और एकदम से युद्ध होने वाला था और अगर उनको ये शहर छोड़कर अचानक भागना पड़ता तो ये सारी चीज़ें जो उनके घर में थी सुंदर सुंदर चांदी के बर्तन हुए एंटी प्लेट्स हुई क्रॉकरी हुई और भी काफ़ी चीज़ें ग्रीन निटेड स्वेटर भी आप देख सकते हैं मिसेस डोरलिंग ने पहन रखा था मिसेस एस का तो ये सारी चीज़ें उन्हें वैसे ही छोड़कर जाना पड़ता और वो सारी चीज़ें उनके लिए बर्बाद हो जाती लेकिन अब एक मिसेस डोरलिंग आ गई हैं जो पुरानी जान पहचान रखती हैं नरेटर की मदर से वो कहती हैं उन्होंने ही सुझाव दिया है कि वो उनकी सारी चीज़ें बचा कर रखेंगी उन्हें संभाल कर रखेंगी तो वो धीरे धीरे जब भी आती है ना कोई ना कोई सामान उनका घर का उठाकर अपने घर ले जाती हैं और उसी सामान को उसी बिलोंगिंग को देखने के लिए आज प्रेजेंट में नरेटर आई है उसी एड्रेस पर हाउस नंबर फोर्टी सिक्स माकोनी स्ट्रीट पर जहाँ पर रहती हैं मिसेस डॉर्लिंग जो उनके घर से सारा का सारा सामान धीरे धीरे कर कर ले गई थी अब आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे हैं मिसेस डॉर्लिंग जो सारा सामान ले आई हैं मिसेस एस के घर से और अब मिसेज़ एस की बेटी मिसेज़ डॉर्लिंग से मिलने आई थी और उन्होंने मना कर दिया उनसे मिलने के लिए ये देखिए बच्चों जब भी वो आती सूटकेस भरकर सामान उनके घर से लेकर जाती और जब वो इतना बड़ा सूटकेस लेकर जाती तो अपनी जान को भी वो जोखिम में डालती वो रिस्क उठाते काफ़ी बड़ा क्योंकि अगर नाजीज देख लेते तो उन्हें वो मार देते चलिए बच्चों पेज नंबर ट्वेल्व पर हम आ गए हैं माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड उनकी बात सुनकर मेरी माँ को यकीन हो गया कि मैं मैं पूरी तरह से उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाई शी लुक एट मी रिप्रूविंगली डांटते हुए स्कोल्डिंगली वो मुझसे बोली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट और उसके बाद हमने कभी मिसिस डोल्डिंग के विषय में कोई भी बात नहीं की मीन वाइल मीन वाइल मीन्स इस बीच आई हैड अराइव एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे मैं चुपचाप उसी पुरानी बात को सोचते हुए स्टेशन पर आ गई थी मैंने आस पास की चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया आई वॉज वॉकिंग इन familiar places अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर मैं परिचित स्थानों पर घूम रही थी पहली बार युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी लेकिन मैं उस पूरे शहर में जहाँ पर मुझे ज़रूरी नहीं था वहाँ पर घूमना नहीं चाहती थी आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ क्योंकि मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज़ फ़ुल ऑफ मेमरीज फ्राम ए प्रेशियस टाइम मैं उन घरों को उन गलियों को देख कर अपना दिल नहीं दुखाना चाहती थी अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी जो मुझे मेरे कीमती समय की याद दिलाते थे जो कि मैंने अपनी माँ के साथ बिताए थे इन द ट्रेन बैक आई सो मिसिज डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मैटर अब बच्चों वो ट्रेन में फिर से बैठ चुकी हैं लड़की वापस जा रही हैं अपने नए घर की ओर और, और उनके आंखों के आगे फिर से आ जाती हैं मिसिज डॉर्लिंग पहली बार जब वो मिसिज डॉर्लिंग से मिली थी वो समय उनको याद आता है इट वॉज अ मॉर्निंग आफ दर डे माई मदर है टोल्ड मी अबाउट ह मेरी माँ ने जिस सुबह बताया था उसे नेक्स्ट मॉर्निंग ही थी आई हैड गॉट अपलेट मैं उस दिन सुबह लेट उठी थी कमिंग डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी आई सो माई मदर अबाउट टू सी सम वन आउट और मैंने देखा मेरी माँ किसी को बाहर की ओर बाय कर रही हैं। अ वमन विद अ ब्रॉड बैक एक औरत थी जिसकी बैक मतलब पीठ जो थी वो काफ़ी चौड़ी थी दर इज माई डॉटर सेट माई मदर अब मेरी माँ ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा ये मेरी बेटी है शी बैक एंड बैक एंड मीन्स इशारा करके बुलाना मुझे बुलाया उन्होंने इशारा करके द वुमन नोडेड उस औरत ने सर हिलाया एंड पिकड अप दूट केस अंडर द कोट रैक कोट के रैक के ऊपर जहाँ लोग ये कोट टांगते हैं बच्चों वहाँ के नीचे से अपना सूट केस उठाया शी वोर अ ब्राउन कोट उसने उस समय भूरे रंग का कोट पहन रखा था एंड अ शेपलेस हैट एक हैट पहन रखी थी टोपी जिसकी कोई शेप भी नहीं थी द शिले फार अवे आई आस्ट मैंने पूछा वो बहुत दूर रहती है क्या सींग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद हैवी केस बहुत भारी सूटकेस उनके हाथ में था और वो काफी डिफिकल्टी महसूस कर रही थी उस समय उसको लेके जाने के लिए इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर फोर्टी सिक्स रिमेम्बर दैट बच्चों आ गया है आपका इंपॉर्टेंट एड्रेस ये देखिए ये रहा मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर फोर्टी सिक्स याद रखना मेरी बेटी तुम इस एड्रेस को आई हैड रिमेम्बर्ड इट मुझे वो एड्रेस याद था बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देर लेकिन वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत लंबे समय तक तो प्रतीक्षा करी इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एप्सल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ शुरुआत में जब हमें लिब्रेशन मिली आज़ादी मिली मैं मेरे उस समान के अंदर जो कि हमने मिसिस डॉलिंग को दे दिया था मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एंड नैचुर आई वॉजोर अ फ्रेड ऑफ़ इट बल्कि मैं तो उसे डरती थी कि उसको देख कर मुझे मेरी माँ की याद आएगी अ फ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स मुझे डर था उन चीज़ों को फेस करने का कन्फ्रंट मतलब फेस करना सामना करना देट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड जो मुझे उस कनेक्शन की याद दिलाता उस बॉन्ड की याद दिलाता जो आज नहीं है आज एग्जिस्ट नहीं करता आज मौजूद नहीं है यानी कि उसकी माँ की याद दिलाता बच्चों मां की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है विच व हिडन अवेन कबर्ड्स अगर मैं उन अलबारियों को खोलती बॉक्सिस को खोलती एंड वेटिंग इन वेनटिल देवर पुट बैक इन अ प्लेस अगेन विच हैड एंड ऑल दोज ईयर बिकॉज देवर थिंग्स तो उन थिंग्स को देख कर उन चीज़ों को देख कर उसे अपनी माँ की याद आती और वो सहन नहीं कर पाती क्योंकि अब वो अपनी माँ से बिछड़ चुकी हैं अब उनका जो बोर्ड है वह एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली मीन्स स्लोली एवरी थिंग बिकेम मोर नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल होता गया ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर ब्रेड हल्के रंग की आने लगी देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन बिना डरे आप एक बिस्तर पर सो सकते थे अरूम विद्यू यू आर मोर यूज टू ग्लानसिंग एट ईच डे मेरे कमरे से जो व्यू दिखाई देता वो आप देख सकते थे क्योंकि अब वो युद्ध का व्यू नहीं था एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस और एक दिन अचानक मैं बड़ी क्यूरियस हुई जिज्ञासु हुई उन सारी पोजेशन्स को उन सारी संपत्ति की चीज़ों को देखने के लिए जो कि मुझे मिलती उस एड्रेस के ऊपर किस एड्रेस के ऊपर हाउस नंबर फोर्टी सिक्स माकोनी स्ट्रीट डॉर्लिंग के घर पे आई वॉन्ट टू सी दैम टच एंड रिमेंबर मैंने निश्चय किया कि मैं उन चीज़ों को देखूंगी छूंगी और याद करूंगी मेरी माँ को आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम तो मेरा जो पहला विजिट था मिसेज डॉर्लिंग के घर पर जाने का तो मिसिस डॉर्लिंग ने तो बच्चों मना ही कर दिया था मिलने से तो वो इन वेन था इन वेन मीन्स यूजलेस तो वो दूसरी बार गई नाउ गर्ल ऑफ अबाउट फिफ्टीन ओपन द डोर इस बार पंद्रह साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला आई आस्ट इफ हर मदर वॉज एट होम मैंने पूछा क्या तुम्हारी माँ घर पर है नो शी सेट माई मदर्स डूइंग एन एरेंड एरेंट मीन्स डेली ड्यूटी मेरी माँ जहाँ पर डेली जाती हैं वहाँ पर गई हुई हैं नो मैटर आई सेट आई विल वेट फॉर हर कोई बात नहीं मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी उनके लिए वेट करूँगी पेज नंबर थर्टीन योबुक्स आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज मैं पीछे पीछे गई उस लड़की के पीछे उस रास्ते पर एन ओल्ड फैशन आन है कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर वहाँ पर एक पुराने जमाने का लोहे का बना हुआ हैनुका कैंडल होल्डर रखा था मिरर के साइड में अब बच्चों पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये है, हैनुका फिर मैं इसकी बात करूँगी अब हैनुका होता क्या है बच्चों आपकी बुक में ही नीचे दिया हुआ है द फीस ऑफ लाइट्स अ फेस्टिवल इन दिसंबर एक लाइट्स का त्योहार है हिब्रू फेस्टिवल है जो कि दिसंबर में मनाया जाता है और ये कैंडल होल्डर आप हेनुका कैंडल होल्डर इससे समय आप देख पा रहे हैं इसमें हमें बहुत सारी कैंडल्स जलाकर रखनी होती है एक मिरर के साइड में ये रखा हुआ था वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक मेरी माँ और मैंने इस हैनुका को कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी कम्बरसम था मुश्किल था लार्ज था हैवी था डिफ़िकल्ट टू कैरी था एक अकेली मोमबत्ती की अपेक्षा इसका प्रयोग करना काफ़ी कठिन था आप देख ही पा रहे हैं इतनी सारी मोमबत्तियाँ काफ़ी हैवी है आपको दिख रहा है डिफिकल्ट टू कैरी है कम्बरसम है तो उन्होंने कभी इसका यूज़ नहीं किया था ऐसा नरेटर हमें बताती हैं वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल लड़की ने कहा तुम बैठ नहीं जाओगी शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम अब लिविंग रूम कौन सा बच्चों जहाँ पर हम गेस्ट को बिठाते हैं सोफ़ा होता है हमारा उसका दरवाज़ा उसने खोल दिया एंड आई वेंट इन साइड पास्टर मैं भी चलेंगे इसके पास आई स्टॉप हॉरीफाइड और जैसे ही मैंने उस लिविंग रूम के अंदर एंटर किया मैं भयभीत हो गई डर गई हॉरीफाइड आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डि नॉट नो मैं एक ऐसे कमरे के अंदर थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी

हर चीज़ बड़े ही टेस्टलेस तरीके से बेढंगे तरीके से रखी गई थी बिकॉज ऑफ़ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल वहाँ पर बहुत ही भद्दा फर्नीचर था और मगी स्मेल नमी वाली मोएस्ट स्मेल वहाँ पर आ रही थी आई ऑन नो बड़ा स्कास्टली डेयर टू लुक अराउंड मी मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था चारों ओर देखने से द गर्ल मूव द चेयर उस लड़की ने एक चेयर खींची आई सेट डाउन मैं भी बैठ गई स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लोथ और वहाँ पर एक टेबल के ऊपर ऊन का बना हुआ टेबल क्लोथ था जिससे टेबल को ढका गया था आई रब डिट ये देखिए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ ये रहा आई रब डिट मैंने उसको रब किया हाथ से सहलाया माई फिंगर्स ग्रू warm from rubbing, मेरी जो हाथ थे वो काफ़ी गर्म हो गए उसके रगड़ने से आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न जो पैटर्न बना हुआ था मैंने उस पर अपनी उंगलियाँ फिराई समवेयर ऑन द एच कहीं किनारे पर देर शुड बी अप बर्न मार्क एक जला हुआ निशान होना चाहिए था दैट हैड नेवर बीन रिपेयर जिसको कभी भी ठीक नहीं किया गया था ऐसा हमारे जो नरेटर है वो कहती हैं उस वुलन टेबल क्लॉथ को देखते हुए माई मदर विल बी बैक सुन सेट द गर्ल आई हैव ऑलरेडी मेड टी फो हर विल यू हैव अ कप मेरी मम्मी आने ही वाली है मैंने उनके लिए चाय बना ली है क्या आप भी एक कप लेना चाहोगी थैंक यू नेटर ने कहा थैंक्स आई लोक डप मैंने ऊपर की ओर देखा द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल टी टेबल के ऊपर लड़की ने कप्स जो चाय पीने के होते हैं बच्चे वो लगा रखे थे शी हैड अ ब्रॉड बैक उसकी भी चौड़ी पीट थी अपनी माँ की तरह जस्ट लाइक अ मदर शिपोट टी फ्राम अ वाइट पोर्ट एक सफ़ेद रंग की केतली के अंदर से उसने चाय कप के अंदर डाली ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड ब्रॉडर ऑन द लेट जो कप और केतली थी वो सफ़ेद रंग के थे और उनके ऊपर गोल्डन रंग का एक लिट सी ढक्कन सी या लाइन सी लगी हुई थी आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की क्रॉकरी थी वो आई रिमेंबर मुझे याद है बच्चों ये जो कप का सेट है ये भी उन्हीं का था शीओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पूस आउट अब उस लड़की ने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मचे बाहर निकाली दैट्स नाइस बॉक्स आई हर्ड माई ओन वॉइस मैंने खुद की आवाज़ सुनी ये तो बड़ा सुंदर बॉक्स है इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस अजीब आवाज़ थी मेरी एज साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम इस कमरे के अंदर तो हर आवाज़ ही बड़ी अजीब लग रही थी अलग लग रही थी ओह यू नो अबाउट देम शी है टी वो मेरी चाय मेरे पास ले आई और बोली क्या तुम्हें इसके बारे में पता है और फिर वो हंसने लगी माई मदर सेज़ इट इज़ एंटीक मेरी माँ कहती है ये प्राचीन है बड़े कीमती हैं वी हैव गॉड्स लॉट्स मोर हमारे पास बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं शी पॉइंटेड द रूम उसने हाँ पूरे कमरे की ओर इशारा किया सीफ और योर सेल्फ तुम देख सकती हो हमारे घर में कितनी एंटीक चीज़ें लगी हुई हैं आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड मुझे उसके हाथ की ओर जाने की आवश्यकता नहीं थी आई न्यू विश थिंग meant. मुझे पता था वो किन चीज़ों के बारे में कह रही है आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ over द टी टेबल मैं तो बस लगातार उस लाइफ की ओर देख रही थी उस जिंदगी की जो उस टी टेबल पर मुझे दिखाई दे रही थी एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज fancied द एप्पल ऑन द pewter प्लेट बच्चों प्यूटर प्लेट एक मेटल की बनी हुई प्लेट है अ प्लेट इन विच फ्रूट्स आर कैप्ट एक प्लेट जिसमें कि फ्रूट्स रखे जाते हैं आपने भी देखा होगा ऐसी प्लेट डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई वो कहती है जब वह बच्ची थी तब उसे कांसे की प्लेट पर प्यूटर प्लेट पर सेब बना हुआ बहुत ही पसंद था बहुत अच्छा लगता था वो उसी को ध्यान से देख रही थी वी यूज इट फॉर एवरी थिंग शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग हैंंगिंग ऑन द वॉल आई वॉन्ट टू सो मच बट इट वॉज नीथिंग स्पेशल अब बच्चों देखिए कुछ इस तरह की एंटीक प्लेट्स आप देख रहे हैं उन्होंने दीवारों पर लटका रखी थी मिसेस डॉर्लिंग ने अपने घर के अंदर और ये सारी प्लेट्स हमारे नरेटर की मदर की ही थी तो वो लड़की जो है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी फिफ्टीन इयर्स ओल्ड वो कहती है कि देखो हमने ना इन प्लेट्स में खाना भी खाया है मेरा बहुत मन था कि मैं इन जो एंटीक प्लेट्स है इनमें खाना खाऊं लेकिन खाना तो मैंने खाया लेकिन कुछ भी वो स्पेशल नहीं था सिंपल सा ही था जैसा होता है वैसा ही था कुछ स्पेशल नहीं था आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ उस समय नरेटर की आँखें उस वुलन टेबल क्लॉथ पर उस जले हुए निशान को ढूंढ रही थी और उसे वो मिल गया द गर्ल लोक क्वेश्चन लिंग एट मी जो लड़की थी उसने काफ़ी प्रश्नवाचक आँखों से उस लड़की की ओर हमारी नरेटर की ओर देखा यस आई सेज यू गैट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट दैम एनीमोर अब वो कहती है हमारे नरेटर कि हम आम तौर पर जो हमारे घर में चीजें लगी हुई हैं उनको देखने के लिए इतने आदि हो जाते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते यू ओनली नोटिस वेन समथिंग इज मिसिंग हम तभी ध्यान देते हैं जब कुछ गायब होता है बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड क्योंकि या तो उसे ठीक कराना होता है और बिकॉज यू हैव लेंटेड फॉर एग्जाम्पल और या फिर आपसे कोई इसे बोरो करके ले जाता है कोई उधार ले जाता है बच्चों इस टाइम में वो पूरी तरह इशारा कर रही है मिसेस डोरलिंग की ओर क्योंकि उस कमरे में जितना भी सामान था जितना भी नाम मैंने आपको भी बताए हैं वो सब मिसिस एस का था हमारी नरेटर की मदर का था अगेन आई हर्ड द अन नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉयस आई वेंट ऑन और फिर से मैंने अपनी अजीब सी अंदर से निकली हुई आवाज़ सुनी जो बड़ी अजीब लग रही थी और मैं कह रही थी आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्ट मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि क्या वो मदद करेगी चांदी को पॉलिश करने के लिए इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो बहुत पहले की बात है एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड द डे और पर आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज़ इल उस दिन मैं बहुत बोर हो रही थी और शायद मुझे घर रहना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी एश यी हैट नेवर आस्ट मी बिफोर और उन्होंने मुझसे पहले कभी सिल्वर को चमकाने के बारे में कभी नहीं पूछा था आई आस्ट है शीमेंट मैंने पूछा कौन से चांदी की बात करी हो मम्मा और उन्होंने कहा सरप्राइज दैट इट वॉज अ स्पूं ए नाइव्स ऑफ कोर्स हमारे घर की चम्मचें फोक कौन सी चम्मच होती है बच्चों कांटे वाली चम्मच आपने देखी होगी मैगी वगैरह खाते हैं जिससे फ्रूट्स खाते हैं नाइव्स चाकू वो सारे सिल्वर के थे वो सारे चांदी के थे एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग बड़ी अजीब बात है आई डिट नो कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर मुझे नहीं पता था जो कटलरी ये जो बच्चों ये जो होते ना चम्मच फोक्स वगैरह ये कटलरी कहलाती है कि जिस कटलरी से हम खाना डेली खाते हैं वो चांदी की बनी हुई थी मुझे पता भी नहीं था द गर्ल लाफ्ट अगेन वो लड़की मिसेज डोलिंग की बेटी दोबारा हंसी आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर आई लुक इंटेंटली एट हर मैंने गंभीरता से उस लड़की की ओर देखा और कहा तुम्हें भी नहीं पता होगा मैं शर्त लगा सकती हूँ वॉट वी ईट विद शी हम जिसे खाना खाते हैं वो वेल डू यू नो हाँ वही क्या तुम्हें पता है वो किस चीज़ की बनी है ये देखिए बच्चों चांदी की कटली आपके सामने है ये देखिए स्पून ये होती है और ये होती है फोक She hesitated, वो हिचकिचाई झिचकी She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. डॉर वो कबर्ड के पास गई और उसने एक ड्रॉर को खोलने की तैयारी की I will look, it's in here. मैं देखती हूँ यहीं पर है हमारी कटलरी. I jumped up. अब मैं सुनकर जम्प अप खड़ी हो गई I was forgetting the time. I must catch my train. और उसने कहा मैं टाइम को भूल रही थी मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है She had her hand on the drawer. उस लड़की का हाथ अभी भी दराज के ऊपर था डोर के ऊपर था डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर क्या तुम मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करोगी नो आई मस्ट गो आई वॉक टू द डोर नहीं नहीं मुझे जाना चाहिए और ये कहते हुए मैं डोर की तरफ चली गई द गर्ल पुल द डोर ओपन आई कैन फाइंड माई ओन वे उस समय उस लड़की ने उस डोर को उस दराज को खोल दिया और मैंने उससे कहा मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँगी एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स जैसे मैं उस रास्ते पर जा रही थी वापस मैंने सुना खन खनाहट की आवाज़ उन चमचों की उन फॉक्स की एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक डब्ड एट द नेम प्लेट मा कोनी स्ट्रीट जब मैं उस रोड पर आ गई मैंने नेम प्लेट की ओर देखा लिखा हुआ था मा कोनी स्ट्रीट आई हैड बीन ऐट नंबर फोर्टी सिक्स और आज मैं मा कोनी स्ट्रीट के नंबर फोर्टी सिक्स हाउस में थी द एड्रेस वॉज करेक्ट मेरी माँ ने जो मुझे सालों पहले एड्रेस दिया था वो बिल्कुल ठीक था बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेम्बर इट एनी मोर लेकिन अब मैं उसे और याद करना नहीं चाहती थी आई वुडेंट गो बैक दियर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज ए वैल्यू वेन सेवर्ड फ्रॉम देम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आप ध्यान से सुनेंगे मैं अब उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी आई वुडेंट गो बैक दियर मैं वहाँ पर कभी भी थर्ड टाइम वापस नहीं जाना चाहती थी क्यों क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स जो वस्तुएं हैं जो थिंग्स हैं जो हमारी यादों से जुड़ी होती हैं मेमोरीज से जुड़ी होती हैं हमारी फैमिली और लाइफ के पुराने टाइम जब हम ज़िंदगी बिता चुके हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं वो इंस्टेंटली तुरंत ही लूज़ कर देती हैं अपनी वैल्यू भुला देती हैं अपनी वैल्यू को जब वो सेवर्ड मींस पुट टू एन एंड अलग कर दी जाती हैं आपसे यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स और आप उन चीज़ों को बड़े ही अलग अजीब से वातावरण के अंदर देखते हैं इस लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड इन मेमोरी लूज ए वैल्यू और इम्पॉर्टेंस वेन वी कट ऑफ फ्रॉम देम दे आर इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स एंड वॉट शुड आई हैव डन विदम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम और अब मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ क्या करूँगी मैं उन चीज़ों का वे आर द शेड ऑफ़ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज एंड नो मोर देन अंड फुल ऑफ कटली फिटेड इन द नैरो ड्रॉर टेबल वहाँ पर जिस किराए के कमरे में मैं रहती हूँ वहाँ पर जो पेपर के टुकड़े लगे हुए हैं खिड़कियों के ऊपर और वहाँ पर एक छोटा सा नैरो संकरा सा टेबल ड्रॉर है उसके अंदर थोड़ी सी कटलरी पड़ी है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है दो तीन चमचे और फॉक्स हैं आ रिजॉल्व रिजॉल्व मीन्स डिसाइडेड टू फॉग द एड्रेस मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पते को भूल जाऊंगी। आप मत भूलना बच्चों एक नंबर का आएगा डॉर्लिंग हाउस नंबर फोर्टी सिक्स माकोनी स्ट्रीट ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉगेट दैट वॉज दैट वुड बी द ईजीएसट इतनी सारी चीज़ें जो मुझे भूलनी थी इनमें सबसे आसान था वो पता भूलना जहाँ पर मेरी माँ की सारी चीज़ें बड़े हिस्ट्रेन सराउंडिंग के अंदर रखी हुई हैं जिन्हें मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो अब अपनी वैल्यू अपनी इम्पोर्टेंस खो चुकी हैं क्योंकि जिस चीज़ से वो उनको याद कर रही थी अपनी माँ की वजह से उनकी माँ ही अब इस दुनिया में नहीं रही तो ये थी बच्चों हमारी स्टोरी दैट्रेज The narrator was no longer interested in any of those things. They lost all their emotional value for her when she saw them in strange surroundings. Moreover, she had no place to keep them in her small rented room. तो बच्चों मैसेज देती है ये लेसन हमें बहुत ही प्यारा मैसेज है दैट इंट्रिकेट इमोशंस ऑफ ह्यूमंस लाइक ट्रस्ट होप एंड बिट्रेयल एज वेल एज द इफेक्ट्स ऑफ वॉर बच्चों ये हमें दिखाती है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं जैसे विश्वास आशा और धोखा ये सब और वॉर जो है युद्ध जो है कैसे बसे बसाए घर को उजाड़ सकती है वो पावर है वॉर के अंदर इसलिए बच्चों ये लेसन एक एंटी वॉर लेसन भी है एंटी वॉर स्टोरी भी है ये हमें बताती है कि वॉर जो है युद्ध जो है केवल सब कुछ खत्म ही करता है कुछ भी नया क्रिएट नहीं करता तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर टू द एड्रेस आई होप liked माई एक्सप्लेनेशन वीडियो को लाइक ज़रूर करें कमेंट में ज़रूर लिखें आपको लेसन समझ में आया न, या नहीं इलेवंथ के और बच्चों के साथ भी शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यर चिल्ड्रेन दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर